मेरे प्यारे दोस्तों, औजार नो चैनल में आज आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोगों ने 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर दिया है और आप सभी का प्यार है जो आपने हमें इतना सहयोग दिया है। और दोस्तों देखिए, आज हमें नया आपको एक वीडियो पेश करने जा रहे हैं। ये है ब्लैक बॉक्स रिपेयरिंग कैसा करने का। ये ब्लैक बॉक्स है, इसकी कीमत 80 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये ऐसी बाज़ार में रहती है, लेकिन एक बार ख़राब हो जाता है तो बटन बिगड़ जाता है, कभी कभी वायर ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, अभी ये फ्लैग बॉक्स है, इसकी वायर ख़राब हो गई है। अब परमानेंट काम की यूज़ करने के लिए ये फ्लैग बॉक्स कैसा रिपेयर करें, ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है, ये स्क्रू लगे रहते हैं, ये स्क्रू मैंने निकाल दिए इधर के, ये सब इसके स्क्रू खोल दिए हैं। और स्क्रू खोलने के बाद ये देखिए, ये ऐसा हो जाता है, ये पार्ट अलग हो जाता है, ये पार्ट अलग हो जाता है, ये पार्ट अलग हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो है ये वायर इसकी ख़राब हुई है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये वायर फेंक देंगे निकाल के। और वायर फेंकने के बाद नया वायर हमने, ये नया वायर लाया है, ये अच्छा वायर है, ये वायर लिया है। इसको एक बाजू में पिन लगा दी है और इसका दूसरा छोर है ये बाजू में, तो ये अभी हम ब्लैक बॉक्स में लगाएंगे। तो मेरे मित्रों, तो देखिए ये जो पॉइंट है, अगर आपका बटन सही है तो ये पॉइंट में लगाना है, और कोई कोई फ्लैग बॉक्स का बटन ख़राब हो जाता है तो भी ये पॉइंट नहीं लगा के यहाँ डायरेक्ट वायर लगानी है। लेकिन इसका बटन सही है, खाली वायर ख़राब है, इसलिए मैं इसको इसी पॉइंट में लगा रहा हूँ, क्योंकि तो इसका बाकी सब सही है। देखिए दोस्तों, ये मैं ऐसे लगाने जा रहा हूँ, और ये मैंने ऐसे लगा दिया है, और इसका दूसरा जो छोर है, ये दूसरा वाला छेड़ा, ये मैं इसमें लगाऊंगा। ये मैंने ढीला किया है और मैं इसके अंदर इसको ऐसे लगाऊंगा। और ऐसा लगाने के बाद इसको मैं ऐसा टाइट कर दूंगा। ये देखिए, ये मैंने टाइट कर दिया है। अब मित्रों, ये दूसरा बॉक्स मेरा चालू है, ये मैंने ऑफ किया है अभी। ये देखिए, इसको ऑन ऑफ का बटन मैंने नाम डाल दिया है, इसका भी लाइट ख़राब हुआ है इसलिए ऑफ लिखा है और ऑन लिखा है। अब मैं इसको ये पिन इसमें लगाऊंगा। पिन लगाने के बाद मैं इसका बटन ऑन करूंगा। तो दोस्तों देखिए, इसका भी स्विच ऑफ हुआ है, ख़राब हुआ है, इसलिए लाइट जलता नहीं। देखिए अभी लाइट जल गया है, मतलब ये बटन इसका ख़राब है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये यहाँ से बंद करके, बटन बंद करके, ये जो वायर है ये हम इसको भी डायरेक्ट कर देंगे। यहाँ से हमने ये पिन निकाल दी है, देखिए ये पिन निकाल दी है, और अभी ये लेके हम इसी में डायरेक्ट लगा रहे हैं। ये देखिए, और ये हमने ये लूज़ किया है, और इसमें ही हमने इसको लगा दिया है। तो देखो दोस्तों, अभी हमारा ये बॉक्स ओके हो जाएगा। अभी हम पिन दोबारा लगा रहे हैं इसमें, वो बटन ऑन कर रहे। अब देखो, ये बत्ती जल गई है, बटन ऑफ करें, ये बत्ती बंद हो गई, ये बत्ती जल गई, इसका मतलब अभी ये एकदम ओके हो गया है। लेकिन ये स्विच काम नहीं करेगा, ये स्विच आप बंद भी करोगे तो भी ये बत्ती चालू ही रहेगी, क्योंकि स्विच काम से गया है। लेकिन ये बाकी हेवी काम के लिए आप घर में यूज़ कर सकते हैं। और अभी इसको पिन निकाल देंगे हम, और इसके बाद इसको एक ऐसी गांठ मारनी चाहिए, वो इसके लिए कि जैसा खिंचाव नहीं आए वायर के ऊपर। ये देखिए, ये
ऐसा हमने इसको वायर पे गांठ मारा है, और ये जो है ये रिंग, अब देखो इसको खाँचा है रिंग को, ये रिंग को इसको ऐसा हमने लगा दिया है, ये हमने लगा दिया है। इसके बाद ये नीचे का पोर्शन है, इसके अंदर हमने ऐसा रख दिया है, और ये खाँचे वाली साइड में ऐसा ले लिया है। इसके बाद दोस्तों ये देखो ये कवर है, ये कवर को भी खाँचा है, ये खाँचे के साइड में मैंने खाँचा लगा दिया है, ऐसा लगा दिया है, और होल टू होल मैच करके अभी इसको हम ये स्क्रू लगा देंगे। इसी प्रकार हमारे फ्लैग बॉक्स रिपेयर हो गया है। अब क्या रहता है, ज़्यादातर लोग इसको फेंक देते हैं काम होने के बाद, बटन ख़राब होने के बाद, लेकिन अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका सालों साल काम कर सकता है, और कोई शिकायत नहीं आएगी आपको, और आपका पैसा भी बचेगा। तो देखो इस प्रकार ये फ्लैग बॉक्स अपना रेडी हो गया है, ये मैंने सब स्क्रू टाइट कर दिए है। अब देखिए इसको मैं ऐसा लपेट लेता हूँ, ऐसा घुमा के ये लपेट लेंगे हम। ये देखिए ये हमारा फ्लैग बॉक्स हो गया है, और ये जो निकला ये सही ढंग से लगा दिया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप देखिए, और हमें कमेंट्स में बताइए।